आपका दोस्त एंड होस्ट नीतीश के रात। आज भी मैं एक स्टोरी लेके आया हूँ, वो है दो बच्चों की कहानी। तो चलिए सुनते हैं और जानते हैं, सीखते हैं कुछ। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो स्टोरी। बिना समय गंवाए मैं आपको वो स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक दोस्त 10 साल का था, एक दोस्त 7 साल का था। दोनों लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश रहता था, खुद साथ में खेलता, साथ में खाता, साथ में सोता। एक जिसे लंगोटिया यार नहीं बोलते, उस तरह का फ्रेंडशिप था उन दोनों के बीच में। तो एक दिन की बात है, जब वो खेलते 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 गांव से बाहर चले गए। गांव से बाहर एक जगह कुआं था। उस कुएं में बड़ा लड़का जो था, जो 10 साल का था, वह जाकर के गिर जाता है। कुएं में खेलते खेलते गिर जाता है, तो वह चिल्लाने लगता है कि कोई मदद करो, कोई बचाओ। तो फिर उसका जो 7 साल का दोस्त था वो सुन लेता है, वह दौड़ता है और वो भी चिल्लाने लगता है कि कोई मदद करो, कोई बचाओ मेरे दोस्त को। लेकिन आलम यह था कि आसपास कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। फिर उस छोटे से लड़के को कुआं के पास एक बाल्टी दिखाई दिया, जिस बाल्टी में रस्सी लगी हुई थी। वो लड़का उस बाल्टी को कुएं में फेंकता है और दोस्त को बचाने का पूरा कोशिश करने लगता है। दो चार बार कोशिश करते 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 वह लड़का अपने दोस्त को बचा लेता है, खींच लेता है ऊपर और उस लड़के की जान बच जाती है। शाम होने को हो जाता है, फिर वो दोनों लड़का अपने गांव की तरफ जाने लगता है और एक दूसरे से बात करता है कि अरे दोस्त, घर जाओगे तो कैसे बताओगे, फैमिली को कैसे बताओगे, परिवार को कैसे बताओगे, पापा मम्मा को कैसे बताओगे कि हम लोग डूब गए थे, ऐसा ऐसा कांड हो गया है खेलने के दरमियान। वो लड़का लोग गया और घर में किसी को नहीं बताया। वो उसको तो डर लग रहा था कि शाम हो चुका है, घर में मार लगेगा। तो वो लड़का उस शाम कुछ नहीं बताता है और कल होकर के वह अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने गांव वालों में इस बात को शेयर करता है। बच्चा ही है, उसको उस बात को छिपाने का जो है क्षमता नहीं है, तो वह बोल ही देता है। तो बोलता है क्या कि ऐसा ऐसा बात है, मैंने अपने दोस्त को बताया। तो लोग उस पर भरोसा नहीं करते कि अरे यार, एक छोटा सा लड़का, 7 साल का लड़का 10 साल का लड़के को कैसे बचा सकता है, कैसे कुएं से खींच सकता है। तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। उसी बीच एक करीम चाचा नाम का एक शख्स था, जो कि लोग गांव वाले जो है उनकी इज्जत करते थे। तो करीम चाचा भी सुने इस बात को, करीम चाचा को भरोसा हो गया उस बच्चे के बात पर। फिर करीम चाचा से सब लोग उस सवाल पूछने लगे कि चाचा, ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 साल का लड़का को 7 साल का लड़का कैसे बचा सकता है। करीम चाचा बोले, बचा सकता है वो इसलिए क्योंकि जब यह लड़का अपने दोस्त को बचा रहा होगा, उस समय इसके आसपास कोई इंसान ये कहने वाला नहीं रहा होगा कि तुम इसे नहीं बचा सकते, तुम छोटे हो, तुम इसे नहीं बचा सकते। इस बात को बोलने वाला कोई भी नहीं रहा होगा, इसीलिए यह लड़का भी खुद को नहीं जानता होगा। ये लड़का को खुद में भी इतना समझदारी नहीं रहा होगा कि मैं इसे नहीं बचा सकता, मैं बच्चा हूँ। वो बस कोशिश करते रहा होगा, अचानक वो खींच लिया होगा और उसने इसकी जान बचा ली। डियर फ्रेंड्स, इससे यह सीख मिलती है कि जब तक आपके दिमाग में किसी बात को लेकर के निगेटिविटी नहीं आती है ना, तब तक आप उस काम के लिए फुल्ली एनर्जेटिक रह सकते हो। जरा सा आप थिंकिंग कीजिए, प्रैक्टिकली थिंकिंग कीजिए कि अगर आप किसी बात को जब तक सुनिएगा नहीं, मान लीजिए कि कोई आदमी मुझे गाली दे रहा है, ठीक है, वो गाली तो खुद में दे रहा है, किसी के पास गाली दे दिया, मेरे बारे में गाली दे दी, ठीक है। जब तक उसकी बात को हमने सुना नहीं, तब तक मुझे एक जरा सा भी टेंशन नहीं हुई कि यार किसी ने मुझे गाली दिया है ना। लेकिन उसने गाली तो मुझसे निकाली है, मेरे प्रति किसी ने तो गाली निकाली है, लेकिन जब तक वो नोटिफिकेशन मेरे कानों तक नहीं पहुंचा है, तब तक हम बिंदास है, यार मुझे कोई गाली नहीं दिया है। जैसे वो नोटिफिकेशन मेरे पास पहुंच जाता है तो मुझे टेंशन हो जाता है, यार मुझे वो गाली दिया, छोड़ेंगे नहीं उसको, ऐसा दिमाग में आता है। तो आप एक बात बताइए कि जब तक आपको नेगेटिविटी कोई नहीं बोलता है ना, तब तक आप नेगेटिव नहीं होते। आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में अगर रहते हैं ना, तो आप पॉजिटिव करते हैं। कोई अगर किसी से पूछे कि सर सीए करना है मुझे, सीए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई क्या बोल देता है कि 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा बेटा,
यार पहले ही बोल के तुम डरा देते हो कि 16 घंटा 16 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, ये कोई बात हुई? निगेटिविटी सुनते सुनते हम लोग के दिमाग में ये दिमाग में भर जाता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, IPS बनना है, अरे ये काम नहीं कर सकते क्योंकि पूरा देश में कुछ ही लोग IPS बनते हैं। तो निगेटिव थिंकिंग को अगर आप लॉस कर देते हो अपने माइंड से, निगेटिव थिंकिंग को अगर आप दिमाग से बिल्कुल भी हटा देते हो, हमेशा पॉजिटिव रखते हो, तो यू कैन गेट एवरीथिंग। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको यह स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा, आप भी कुछ इस स्टोरी से सीख पाए होंगे। अगर आपको यह मेरा वीडियो और यह मेरा स्टोरी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि मैं जो भी नए नए वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। शिव 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 शिव